माल्यार्पण करने के लिए देख सकते हैं अब वित्त मंत्री रामेश्वर ओराव भी पहुंचे हैं और ये भी सहायक पुलिस कर्मियों से मिलेंगे और इनकी भी बातों को जानेंगे और पूछेंगे। देख रहे हैं आप कैसे सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच में यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर ओराव वो यहाँ पहुंचे हैं। अरे उस पर सरकार बोलेगी, उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे हम, अभी तक नहीं बोलेंगे। सर मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ नहीं आ पाए तमाम सूचनाओं के बावजूद, क्या सरकार डर रही है ऐसे विरोधों से? आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। आज राजनीति में सत्याग्रह, इस लोकतंत्र में सत्याग्रह, लाठी डंडा नहीं चल रहा है। आंदोलन हो रहे हैं लेकिन लाठी डंडा नहीं चल रहे हैं। ये से हमने आत्मसात किया है गांधी को, विचारों को, गांधी के विचारों को, सत्याग्रह को, अहिंसा को। अहिंसा को मानना होगा, लोकतंत्र को चलाना है तो अहिंसा को मानना होगा। जहां हिंसा होती है वहां लोकतंत्र नहीं होता है, लोकतंत्र का तरीका नहीं है। आप दुनिया में देख चुके हैं जहां कू हुए, तख्ता पलट हुआ आर्मी द्वारा, क्या हुआ अंत में? वहां भी लाचार होकर वोट कराना पड़ा। बगल में ही देख लीजिए, बगल के देश में ही कई बार तख्ता पलट हुआ लेकिन अंत में डेमोक्रेसी लाना पड़ा, वोट से कराना पड़ा, चुनना पड़ा प्रतिनिधियों को। ये देखिए गांधी बनाम गोडसे ये विचारधारा नहीं है, गोडसे के कोई विचारधारा नहीं है, इसको विचारधारा नहीं मानता मैं। विचारधारा वो है जो लोग मानते हैं, जिसे शांति आती है, जिसे सुशासन आता है, वो विचारधारा है। जिसमें प्रेम भाव होता है, घृणा नहीं होती है, वो विचारधारा है। इस देश में संत हुए, महात्मा हुए, कई हुए, सबों ने एक ही पाठ पढ़ाया, प्रेम से रहो, प्रेम से भगो, जाति पाति नहीं करो, है ना? जाति पाति नहीं करो, एक हो, समाज एक है, देश एक है। महात्मा जी ने समझाया, बताया, कांग्रेस ने समझाया। कांग्रेस ने क्या नाम रखा अपना? ये कहते हैं नेशनल, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। कांग्रेस ने पहला पार्टी थी जिसने नाम रखा नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया, या इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लीजिए आप, INC यही नाम रखा। तो हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन है? कहां ही कहां से आकर राष्ट्रवाद की बात करते रहते हैं ये? कोई नहीं है जो सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को लेके चलती है, जो राष्ट्र के काम राज का परिभाषा पढ़े होंगे, अगर आप पब्लिक एडमिशन पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे, तो एक तो भूमि होती है, दूसरे जनसंख्या होती है, तीसरी सरकार होती है, चौथा सार्वभौमिकता होती है, यही ना, यही ना पढ़े हैं आप? तो मूर्ति के पीछे 2200 पुलिसकर्मी जो है वो धरने पर बैठे। अब ये तो धरने पर तो बोल रहे हैं कि ही तो पहचान है डेमोक्रेसी की, अपनी मांग को लेकर जमा होना। सर सरकार का कोई अभी तक देखने नहीं आया। नहीं, सरकार के नुमिंदा के कान होते हैं, आंख भी होते हैं, सब हैं। ये जितना पुलिस लोग है कुछ ही है, आंखों कान है, तंत्र बैठा हुआ है। आपको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हमको तो दिखाई दे रहा, हम तो उसमें रहे हैं, वर्दी हम भी पहने हैं, हम ही लोग आंख कान हैं सरकार के। नहीं, ये तो सरकार तय करेगी, मैं अकेले कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तब मैं सरकार को, ये सरकार तक जब बात उठेगी तो सरकार तक पहुंचाऊंगा, इतना ही कह सकता हूँ बात। नहीं मांगों को नहीं, इनकी बातों को। थोड़ा चरखा देखिए, सुना आपने रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उनका क्या कहना है? धन्यवाद, मैं अनुशील ओझा, आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।